देखो एक ग्लास वेसल मेजर्स एग्जैक्टली 10 × 10 × 10 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज फिल्ड कंप्लीटली विद मरकरी एट दिस टेम्परेचर। पूरा के पूरा मरकरी से भरा हुआ है, पूरा अप टू द ब्रिम, पूरे टॉप तक भरा हुआ है, ठीक है ना। अब आपने तो दोनों का वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम सेम हो गया, कंटेनर का भी और लिक्विड का भी, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लिक्विड खाली रह गया जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हुआ था, तो फिर दोनों वॉल्यूम इनिशियल अलग 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 रहेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या है, सेम वॉल्यूम कर दिया है, तो डेल्ट, अब दोनों का वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आया उतना भार आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वी जी माइनस डेल्टा, ये आपको दे रखा है 1.6 सेंटीमीटर। दोनों का एकदम गामा सेम है तो कोई भार नहीं आएगा, बिल्कुल सेम एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। कंटेनर का वॉल्यूम भी उतना एक्सपेंड हो गया और उसका लिक्विड का भी वॉल्यूम उतना एक्सपेंड हो गया, तो कोई भार नहीं आ रहा है वो, ठीक है। बट एक का ज्यादा या कम हुआ, जैसे कि लिक्विड ज्यादा एक्सपेंड हो गया जैसे इसमें हुआ होगा, तब इसने कह रखा है कि 1.6 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मरकरी ओवरफ्लो कर गया। तो मरकरी का वॉल्यूम चेंज माइनस कंटेनर का वॉल्यूम चेंज कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁶ m³ हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसका वॉल्यूम चेंज कितना आया, वी नॉट इंटू गामा एच जी, इसका कितना आया गामा इंटू वी, गामा वी मैंने वो ले लिया उसका कंटेनर का, है ना, वेसल का, वेसल का गामा। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा है, कोई दिक्कत लग नहीं रही। तो यहाँ से गामा वी आपको दे रखा है, डेल्टा थीटा आपको दे रखा है, वी नॉट दे रखा है, तो बस यहाँ से गामा एच जी आपको निकल जाएगा, क्लियर है एकदम। तो ये वो था कि कंटेनर में आप गर्म करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, किसी तरह लिक्विड के एक्सपेंशन पर कोई चीज फ्लोट कर रही है, ठीक है, तो उस पर क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो वो देखते हैं किस तरीके आ सकते हैं। अब तो गर्म किया आपने, मतलब लिक्विड में कोई ब्लॉक फ्लोट कर रहा था वुड का, ठीक है ना, आपने उस पूरे कंटेनर को गर्म करना शुरू कर दिया, सब कुछ गर्म होगा, तो वो और ज्यादा डूब जाएगा या बाहर आ जाएगा, ये क्या होगा, ठीक है। उस तरह की बातें और करेंगे अपन, वो भी लिक्विड एक्सपेंशन के अंदर ही माना जाएगा।